हेलो फ्रेंड, मैं हूं विशाल। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 93% से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। सो फ्रेंड, दिल्ली मेट्रो की रेल लाइन पर नजफगढ़ से ढांसा बस स्टैंड तक मेट्रो कॉरिडोर पर ट्रेन रफ्तार भरने के लिए तैयार है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC के अधिकारियों ने बुधवार को 1.2 किलोमीटर लंबे खंड पर अनिवार्य सुरक्षा जांच की। रेलवे सुरक्षा आयुक्त CMRS ने निरीक्षण को लेकर कहा कि आमतौर पर कमर्शियल संचालन शुरू करने से पहले अंतिम परीक्षण होता है। कुछ दिनों में CMRS की फाइनल रिपोर्ट का निरीक्षण किया जाएगा, इसके बाद इस पर संचालन की अनुमति मिल जाएगी। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह इस रूट पर ढांसा बस स्टैंड और मेट्रो का सफर शुरू हो जाएगा। बता दें कि ग्रे लाइन पर नजफगढ़ से ढांसा बस स्टैंड तक मेट्रो कॉरिडोर बनकर तैयार है। इस पर मेट्रो का तकनीकी ट्रायल भी जारी है। यह बहुत छोटा कॉरिडोर है, इसलिए तकनीकी खामी होने की संभावना ना के बराबर है। बावजूद इसके संचालन से पहले अनुमति देने से पहले पूरा निरीक्षण किया जाएगा। पिछले दिनों ही दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त CMRS को पत्र लिखकर इस कॉरिडोर को निरीक्षण करने की मांग की थी। अगले कुछ दिनों में CMRS की तरफ से ग्रे लाइन के इस कॉरिडोर के बुनियादी ढांचे व सुरक्षा मानकों की जांच पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले सप्ताह इस कॉरिडोर पर मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। बता दें कि फिलहाल 4.3 किलोमीटर लंबी ग्रे लाइन पर द्वारका से नजफगढ़ के बीच मेट्रो का परिचालन हो रहा है। इस कॉरिडोर पर द्वारका, नगली व नजफगढ़, ये 3 मेट्रो स्टेशन ही हैं। इस कॉरिडोर का ढांसा बस स्टैंड तक विस्तार किया गया है। इसके लिए नजफगढ़ से ढांसा बस स्टैंड तक 1.18 किलोमीटर का भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर तैयार हो चुका है। अब DMRC को CMRS द्वारा इस कॉरिडोर के निरीक्षण का इंतजार है। DMRC को उम्मीद है कि निरीक्षण के बाद इस कॉरिडोर पर परिचालन के लिए जल्द स्वीकृति मिल जाएगी। परिचालन शुरू होने पर ग्रे लाइन कुल लंबाई 5.48 किलोमीटर हो जाएगी और ढांसा बस स्टैंड नया स्टेशन जुड़ जाएगा। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।